वीडियो में बिगिनर नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। करीब 50 दिनों के बाद आज शुरू हो रही रेगुलर रेल सेवा। दिल्ली से 15 रूटों पर दौड़ेगी स्पेशल ट्रेन। रेलवे ने जारी किया एसी गाड़ियों का टाइम टेबल। आज 8 ट्रेनों का परिचालन। हावड़ा नई दिल्ली, राजेंद्र नगर नई दिल्ली, नई दिल्ली डिब्रूगढ़, बेंगलोर नई दिल्ली के लिए चलेगी ट्रेन। नई दिल्ली से बेंगलुरु, नई दिल्ली से बिलासपुर, मुंबई सेंट्रल से नई दिल्ली और अहमदाबाद से नई दिल्ली के लिए चलेगी ट्रेन। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहाड़गंज की तरफ से होगी मुसाफिरों की एंट्री। बिना कंफर्म टिकट वालों को नहीं मिलेगी घुसने की इजाजत। ट्रेन में यात्रा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का रखना होगा ख्याल। मास्क भी जरूरी। राज्यों द्वारा हेल्थ प्रोटोकॉल का भी करना होगा पालन। टिकट बुकिंग शुरू होते ही अटक गई IRCTC की वेबसाइट। 4 बजे की जगह 6 बजे शुरू हुआ रिजर्वेशन। महज 3 घंटे में 54,000 टिकट बुक। ट्रेनों की आवाजाही को लेकर स्टेशन पर शुरू हुई तैयारी। प्लेटफॉर्म्स की साफ सफाई और कोरोना के हिसाब से बदलाव किया जा रहा है। अगले कुछ हफ्ते तक रोजाना 100 श्रमिक ट्रेनें चलाने की योजना। सभी राज्यों से रेलवे को सहयोग देने की अपील। प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के लिए रोज चलाई जा चुकी अभी तक चलाई जा चुकी है 468 ट्रेनें। अब तक करीब 5 लाख श्रमिकों को घर पहुंचाया गया। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को लेकर नियमों में बदलाव। जिस राज्य में पहुंचेगी ट्रेन वहां 3 स्टेशन पर रुकने की इजाजत होगी। 17 मई से शुरू हो सकती है विमान सेवाएं। DGCA और एयरपोर्ट अथॉरिटी की टीम ने दिल्ली एयरपोर्ट का दौरा किया। दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पूरी हुई ऑपरेशन की तैयारियां। यात्रियों के सामान के लिए बनाए गए अल्ट्रा वायलेट टनल। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 67,000 के पार। 24 घंटे में 4,000 से ज्यादा संक्रमित। देश में कोरोना से अब तक 2200 से ज्यादा की मौत। पिछले 24 घंटे में 97 लोगों की गई जान। महाराष्ट्र में 22,000 से ज्यादा कोरोना से संक्रमित लोग। 24 घंटे में सामने आए 2,000 मामले। अब तक 832 की मौत। मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मैराथन बैठक। लॉकडाउन 3 के बाद एक्शन प्लान पर मंथन। पीएम ने दिया जन से जग तक का नारा। कहा अब सबसे बड़ी चुनौती है कोरोना को गांव तक पहुंचने से रोकना। लॉकडाउन और आर्थिक गतिविधियों पर राज्यों को ज्यादा अधिकार देने का फैसला। पीएम ने कहा हालात देकर बनाए रणनीति। पीएम के साथ बैठक में 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने की लॉकडाउन को बढ़ाने की मांग। पंजाब, महाराष्ट्र, तेलंगाना, बिहार और पश्चिम बंगाल ने बताया जरूरी। दिल्ली के सीएम ने लॉकडाउन में ढील की मांग की। कहा कंटेनमेंट जोन को छोड़कर पूरी राजधानी में शुरू हो आर्थिक गतिविधियां। महाराष्ट्र के सीएम ने ग्रीन जोन में आर्थिक गतिविधियां शुरू करने की रखी मांग। कहा मजदूरों के लिए शुरू हो लोकल ट्रेन सेवा। राजस्थान के सीएम ने जोन को लेकर उठाए सवाल। कहा लोगों को रेड जोन में ग्रीन जोन में जाने की इजाजत नहीं। दारुल उलूम देवबंद ने ईद और अलविदा की नमाज के लिए जारी किया फतवा। लॉकडाउन बढ़ने की स्थिति में ईद और अलविदा की नमाज घर में ही पढ़ने का संदेश। अल्लाह से कोरोना से मुक्ति की दुआ की मांग की। मौलाना रशीद फिरंगी महली के मुताबिक ईद के लिए नए कपड़े जरूरी नहीं है। किसी के घर न जाएं, घर पर ही मनाएं खुशियां। लॉकडाउन बढ़ने पर मस्जिदों को परमिशन न मिलने पर वर्तमान व्यवस्था लागू रहेगी। न किसी के गले मिले, न हाथ मिलाएं। यूपी के बुलंदशहर में क्वारंटीन सेंटर में युवती की मौत हुई। परिजनों ने टीवी की बीमारी से मौत की वजह बताया। कोरोना जांच के लिए लिया गया था सैंपल। रायबरेली में प्रवासी मजदूर के हादसे में मौत। साइकिल से बुलंदशहर से गया था, कार से हुई थी टक्कर। प्रवासी मजदूरों के लिए झांसी से चलाई गई स्पेशल ट्रेन। दूसरे प्रदेशों से पहले पैदल झांसी पहुंचे मजदूरों को उनके जिले तक भेजा गया। यात्रियों ने ताली बजाकर खुशी जताई। टिकट का पैसा देकर श्रमिक स्पेशल से गुजरात के देवरिया से 1200 मजदूर पहुंचे। रेड कार्पेट बिछाकर हुआ स्वागत। दिए गए खाने के पैकेट्स। गुजरात से 1616 मजदूर यूपी के शाहजहांपुर पहुंचे। 40 बसों में भेजा गया गृह जनपद। पुणे से झारखंड निकले करीब 200 मजदूर। कहा फिर कभी वापस नहीं आएंगे। अमृतसर और महाराष्ट्र के जालना से यूपी के उन्नाव पहुंची श्रमिक स्पेशल। 58 जिले के 1222 मजदूरों को बसों से किया गया रवाना। गुजरात के अहमदाबाद से रामपुर आई श्रमिक स्पेशल में 1200 मजदूरों को लाया गया। सभी को कोरोना सैंपल लेकर भेजा गया बसों से घर। सूरत के उड़ीसा जा रही श्रमिक स्पेशल में सवार मजदूरों ने कलेक्टर पर बरसाए फूल। जय जगन्नाथ के नारे भी लगाए। सूरत में 1200 प्रवासियों को लेकर काठगोदाम पहुंची ट्रेन। प्रशासन ने थर्मल स्क्रीनिंग के बाद 40 बसों में सभी को उनके जिले में भेजा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक। और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर
एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।